कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए ही हो। आज यार गुड़िया आई बड़ा खुश रहा है, हमका बड़ा खुश दिखाई पड़ रही हो। कह लगी हाँ यार आज आम गई रन, वैसे हमेशा सब लोग अंग्रेजी बोलत है, और जब आज हम गए तो देखा सब यार वैसे बोल रहे जैसे तुम बोलत हो। हमका का कह रहे हैं, कह लगी कह रहे हैं पहचान तो गए ही हो, फलाने बोल लें डिकाने बोल लें। हमका फिर कह लगी यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अपनापन लग रहा है। हमका अपनापन तो है ही है हमारी भाषा में। हमका अबे तुम रुको, अबे कुछ दिन बाद जब डोनाल की घरवाली का फोन आवे तुमरे फोन में और कहे दीदी अन्नू जीजा का लेके आओ कौनो दिन अमेरिका, तब मजा आवे, तब फिर तुम देखियो तो गुस्सा आएगी। कह लगी वो हमका दीदी कहिए, तुमका भैया ना कहिए, तुमका कोई भैया ना कहे, सब हम एक दीदी कहे, तुम जीजा बने रहो। गुस्सा आ गई, तुमका बताओ तुमका फायदा का हुआ हिंदी से, वो अच्छा लगे ना लगे से, क्या तुमका गुस्से रहेगा 24 घंटा? जाओ चलो अपन काम देखो जाके। और ये जो मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी ये कहीं धोखे से चुनाव लड़ जावे, इनका भाई साहब दुई वोट कोई ना दे, दुई वोट काहे ना दे। एक तो औरतें वैसे कम बोलती हैं, अब ये जियो फ्री कर दी ने, इस समय धरती की कोई भी औरत 15-16 घंटे से कम बोले नहीं रही। आदमी सब इतना परेशान है, इतना परेशान है, कुछ कहे नहीं। ये काम है इनका, मुकेश भाई का, बड़ी स्थिति गड़बड़। और हम यार मतलब अभी हम 4-5 बार हाई स्कूल और करते, हमार मन रहा है कि क्या करेंगे, चलो हाई स्कूल है करते रहे, लेकिन कौनो कौनो पिक्चर में हम देखा बड़ी शिक्षा होते। अब हम जितेंद्र की पिक्चर देखे गए रन, काहे नहीं किया बता रहे, जितेंद्र की पिक्चर देखे गए रन, तो मैं एक गाना रहा है स्कूल में क्या पढ़ोगे हो राम, दिल की किताब पढ़ लो। बस दिमाग में घुस गई बात, मतलब आदमी बुद्धिमान हो एक चाहिए, तब तो शिक्षा का असर है। दिमाग में घुस गई, हमने कहा बस खत्म हाई स्कूल। भाई जितेंद्र कहीं ना, तो जितेंद्र की बात तो देखो माने गए का। अब देखो उनकी बिटिया एकता कपूर मानिस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और लौंडा तुषार नहीं मानिस बार बार ओका खुशबू वाले साबुन से नहला नहला पेश करते हैं, फिर वो गंध आ जाते हैं। तो हम जितेंद्र की बात मान लिया, अब हम मतलब खत्म हाई स्कूल का काम खत्म कर दिया। एक प्रोग्राम में गए रान, खेल मंत्री आए रहे जयवर्धन, परिचय करावा गवा। हमका जयवर्धन जी मैं भी स्वर्ण पदक जीत के ला सकता हूं अपने देश के लिए, लेकिन आप लोग हम लोगों के खेल की कोई व्यवस्था नहीं करते, हम लोगों के खेल के लिए भी एक कमरे की व्यवस्था करिए। तो ये कहें यार ग्राउंड सब कोई मांगा था, तुम कमरा मांग रहे हो, कौने टाइप के खिलाड़ी हो? हमने कहा मैं स्वर्ण पदक एक ही बार में जीत लाऊं, और अगर चरखी चल जाए तो इतना जीत लाए कि भारत का कर्जे माफ करा दे, लेकिन हम लोगों के खेल में पुलिस अलग परेशान करे, घर वाले अलग परेशान करें, बिल्कुल स्पोर्ट्स जगत में कोनो एंट्री नहीं है। पिताजी खेलत भाई देख ले तो मारे, बीवी खेलत भाई देख ले तो लड़े, तो हम लोगन की एक व्यवस्था करो। कहीं यार हमारी बुद्धि के ऊपर भाग रही तुम्हारी बात, ऐसा कौन खेल है जो पुलिस तुमका दौड़ा पकड़ रही है? कहा खेल लो ऐसा जो स्वर्ण पदक ला सकत हो? हम कहा गुरु बाबन अंदर बाहर अंदर बाहर, कहीं प्रभु तुम स्वर्ण पदक न लाओ, तुम जैसे हो बस वैसे ठीक। अन्नू अवस्थी बोल रहे कानपुर से। इस बार रक्षाबंधन में हमारी जिज्जी बहुत खुश है, ये लिए नहीं खुश है कि हम समय से पहुंच गए या बहुत पैसा दे आए, इसलिए खुश है कि जीजा अपने ऑफिस में 7 स्टाफ में 6 लड़कियां रखे रहे। जिज्जी जीजा का बैठाल के ले गई, सातों के राखी रोचना करा दी ने, इतना खुश है इतना खुश है। कह रहे अन्नू अब इतनो परम यो नहीं है कि राखी रोचना के बाद छेड़े, तो जिज्जी ये वजह से बहुत खुश है। एक चीज बस आप लोग हमें बता दो कि आप लोगन का हिंदी के जोक पसंद है
कि अंग्रेजी के, अगर हिंदी के पसंद है तो देखो हमका भगवान बना के भेज दी इसे आपके लिए, और अगर अंग्रेजी के पसंद है तो भैया फिर अपन जुगाड़ कर लो, अन्नु अवस्थी अंग्रेजी के ना सुना पाइए ना सुनाइए। और एक चीज और, आप लोग सोचो कि हम अपनी हर वीडियो ऑडियो में आपसे कहेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, आज से हम ये प्रथा खत्म कर रहे हैं। आपका मन हो करो, ना मन हो ना करो, घंटी बजाओ ना बजाओ, बस अन्नू अवस्थी का पहचानो, हमारे लिए इतने बहुत है।